हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज आवर सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है इंटीजर्स का। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन कैसे करना है इंटीजर्स का। ओके, पहले तो हमने पढ़ा हुआ है ना बेसिक डिवीजन कैसे करना है। एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल 6/2, 6/2 का क्या आंसर आता है हमारा? देखो 6/2, 3 करेक्ट। एक और लेते हैं, चलो 6/10, 2 3s are एंड 2 5s are, आंसर आया 5। या तो हमारा आंसर एक इंटीजर आता है या तो हमारा आंसर एक फ्रैक्शन आता है, करेक्ट। दो टाइप के नंबर्स होते हैं राइट, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। तो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो जीरो के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर्स, कुछ भी हो वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स नंबर्स क्या होते हैं। ओके, अभी आपको दिख रहा है ये 3/5, इसका एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होगा? ये 3/5, इसका एडिटिव इनवर्स नंबर है -3/5। एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होती है? जब हम इनको एड करते हैं ना तो इनका आंसर आता है 0। ओके, और वैसे ही ये 3 है तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा नंबर? -3, क्योंकि जब हम इनको एड करेंगे तो इनका आंसर हमेशा 0 आएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर एक इंटीजर फॉर एग्जाम्पल ले लो 6 इज डिवाइडेड बाय -2, ओके, तो उसका आंसर हमेशा अगर हम सॉल्व करने जाएंगे या लिखने जाएंगे ना तो हमेशा जो नेगेटिव साइन है ना वो हमेशा ऊपर आएगी। ओके, इसको तो हम सॉल्व कर पा रहे हैं 3 से। वैसे ही दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो -5/-3, हम 5/-3 को और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रहती, इसलिए वो हमेशा ऊपर आती, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं -5/3। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में कुछ रूल्स थे, वैसे डिवीजन में भी कुछ रूल्स है। ओके, फर्स्ट थिंग तो हमको पता है कि कोई भी नंबर हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, करेक्ट। सेकेंड रूल ये है, द क्वेश्चन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। नाउ लेट्स सी हियर, ओके, 6/2 क्या आया था हमारा आंसर? 3। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और हमारा आंसर भी पॉजिटिव है। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है, करेक्ट। सिमिलरली अगर दोनों क्वेश्चन दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये भी आएगा, दोनों है नेगेटिव तो भी हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट, अगर हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। नाउ सी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ओके, सो यहाँ पे आएगा +2 और नीचे -1, और हमने क्या सीखा है कि माइनस साइन कभी नीचे नहीं रहती, इसलिए माइनस साइन चली जाएगी ऊपर, इसलिए आंसर हो जाएगा -2/1। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज -2, ओके, सेम अप्लाइज इफ इट्स इनवर्टेड। फॉर एग्जाम्पल नाउ देयर इज -7/14, ओके, देयर इज नो साइन फॉर 14 मीन्स इट्स पॉजिटिव, सो देट 7 1s are 7 2s are, so it will be -1/2, okay? तब एक अगर negative हो और एक positive हो तो answer हमेशा negative में आएगा, correct? Now let's begin with practice at 9, okay? First question देखते हैं, -96/16, now 16 6 is 96, right? So हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो answer क्या है, 16 6 are 96, okay? पर अब यहाँ पे signs देखना है, minus plus, माइनस डिवाइड बाय प्लस क्या आएगा हमेशा क्वेश्चन का साइन, करेक्ट, माइनस। ओके, अभी दूसरा सम देखते हैं, 98 28, ये दोनों आते हैं 14 के टेबल में, ओके, तो अभी हम 14 के टर्म्स में लिखते हैं इनको, 98/-28, 14 7s are and 14 -2s are, करेक्ट, क्योंकि माइनस साइन है ना यहाँ पे, अभी 14 14 तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है इधर, 7/-2, हमें पता है हम माइनस साइन नहीं रख सकते डिनोमिनेटर इसमें, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -7/2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, -51/68, ये दोनों भी आते हैं 17 के टेबल में, राइट, माइनस हम लिखेंगे 17 × -3 upon 17 × 4, करेक्ट, तो 17 17 गेट्स कैंसल, क्या बचा, -3/4, एंड दैट इज आवर आंसर। ओके, लेट्स सी द फोर्थ वन,
38 डिवाइड बाय 57, ओ इट्स माइनस 57। चलो बताओ किसके टेबल में आते हैं ये, 19 के टेबल में आते हैं। ओके 19 का टेबल हमको याद करना पड़ेगा। सो 19 टू जाए 38 एंड 19 इंटू माइनस 3 इज 57। 19 और 19 कैंसिल हो गया, हमारा बचा आंसर 2 बाय माइनस 3। एज ऑलवेज द नेगेटिव साइन विल नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, सो माइनस 2 बाय 3 इज आवर आंसर। अभी चार सम हमारे हो गए, आपको समझ में आए ना? ठीक है, अभी आपको है ना फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और नाइन्थ सम खुद से करना है और आपको मेरे को कॉमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। एट्थ और टेंथ थोड़े अलग है इसलिए आई एम सॉल्विंग फॉर यू। ओके नाउ लेट्स सी द एट्थ वन, 9 डिवाइड बाय माइनस 54। यहाँ पे हमारा छोटा नंबर ऊपर है इस बार, पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके 54 तो 9 के टेबल में आता है, करेक्ट। सो हम ऐसे लिख देंगे 9 वन्स आर 9 और नीचे क्या है 9 फाइव्स आर 9 सिक्स आर, यस नॉट इवन 6 इट्स माइनस 6। ओके 9 सिक्स आर माइनस 54, 9 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे माइनस 6। सो आर आंसर इज माइनस 1 बाय 6। ओके नाउ लेट्स से टेंथ वन, माइनस 5 बाय माइनस 315। ओके अभी यहाँ पे देखो ये अलग अलग है, अभी तक हमने क्या देखा था 2 माइनस थे 2 प्लस थे, यहाँ पे दोनों माइनस है, जो हमारे माइनस माइनस होते हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे। ओके सो सिर्फ हमारे पास क्या बचा 5 बाय 315, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एज 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 6 30, एक बच गया 5 3 15। ओके सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल, हमारा आंसर है 5 1 बाय 63। ओके जो हमने चार सम नहीं किया ना प्लीज वो आप कर लेना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। मतलब हमको ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं कि उनको हम कट करें तो उसका आंसर हमेशा आना चाहिए 24/5। काफी इजी है, देखो कैसे करना है। वो नंबर जो है ना उसको लिख देने का ऐसा 24/5, उसको फिर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम मल्टीप्लाइंग नंबर बाय 2, अभी अगर 2 मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नीचे भी वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके तो हमारा आंसर क्या आया 24 इंटू 2 इज 48 एंड 5 इंटू 2 इज 10। तो हमको एक फ्रैक्शन मिल गया, उन्होंने कितने करने बोले 3 डिविजन ऐसे, वैसे ही हम इंटू 10 कर सकते। देखो 25/5 इंटू 10 सो 240/50। अब उनको हम कैंसिल करने जाएंगे तो देखो क्या आता है हमेशा आंसर 24/5, वही तो हमको चाहिए था। एक और देखो 2 मिल गए 1 2, 24/5 इंटू 3। ओके 6 72 एंड 72/15, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आप माइनस 3 से भी कर सकते थे, ठीक है। तो आंसर भी आता था माइनस 2 एंड 72/-15। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। ओके ओके द थर्ड वाला भी वैसा ही है सेम, -5/7। इसका आप मुझे करके बताओ सोल्यूशन, मैं आपको एक बताती हूँ -10/14, करेक्ट। आप ही ट्राई करो, बाकी के दो फ्रैक्शन आप मुझे बताओ। ओके लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4। The fish in the pond below carry some numbers. Choose any 4 pairs and carry out 4 multiplication with those numbers. Now choose 4 other pairs and carry out division with these numbers. It's very simple. कोई भी दो integers या कोई भी दो numbers उठाने हैं अंदर से और उनको multiply करना है, फिर वैसे ही करके 4 और number उठाने हैं, फिर उनको divide करना है, correct? देखो for example उन्होंने करके बताया, उन्होंने एक लिया -30 into -15 और उन्होंने उनका multiplication किया, वैसे ही उन्होंने दो numbers लिए -24/9, उसका आंसर आया 8/3, करेक्ट। सिमिलरली हम एक लेते हैं ओरली, देखो -13 into +9, करेक्ट। उसका आंसर क्या आएगा देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, -13 into +9 117, और क्या होगा -into+-, देखो हमारा आंसर आ गया। ये हम एक और नंबर ले लेते हैं, देखो -15 into -8, 15 into 8 तो हमको पता है 120। नाउ -into- हमारा ये भी सॉल्व हो गया। वैसे ही आपको दो और नंबर्स उठाने हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके अभी हम डिवाइड का करते, देखो हमने लिए है +41 डिवाइड बाय -8,
अभी 41 एक प्राइम नंबर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर यही होगा 41/8। बस डिफरेंस इतना है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होता तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो हमको हमारा एक डिविजन का वैल्यू मिल गया। अभी हम दूसरा नंबर लेते हैं, +13/+9। अब यहाँ पे 13 भी प्राइम नंबर है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर भी यही रहेगा 13/9। तो हमने दो ढूंढ लिए, ठीक है, तो दो और अभी आपको ढूंढने हैं, ओके। एंड नाउ वी आर डन विद द प्रैक्टिस एट 9 आल्सो। सो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिविजन ऑफ इंटीजर्स दोनों हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक या कोई पार्ट नहीं समझा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।